अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही मज़ेदार से आज हम समोसे बना रहे हैं। तो चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल में हम 1 कप चॉप की हुई प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं और क्वांटिटी इसकी कम भी कर सकते हैं। तो प्याज को हम नरम कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च चॉप की हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसी दौरान हम चम्मच हिलाते जाएंगे। तो ये देखें, मैंने इसको 1 मिनट के लिए पका लिया था। इसमें मैंने अब डाला है सोया सॉस, ये है 2 टेबल स्पून। इसे भी हम बस थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी उबली हुई चिकन, इसे मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसे श्रेडेड कर लिया। इसे डाल के भी पकाएंगे हम। चिकन क्योंकि पहले से बॉईल है तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और प्याज जो है वो आपने ज़रूर डालनी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैंने डाला है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है। आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर आता है। तो ये देखें कोरिएंडर को भी मैंने डाल के अच्छी तरह से पका लिया है और हमारी फिलिंग अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, इसे हम रख देंगे। तो ये देखें फिलिंग को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, मैदे में हम डालेंगे पानी और इसका पेस्ट बना लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखें इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया। यहाँ पे मैंने लिए हैं समोसा शीट्स, ये मैंने होममेड लिए हैं, मैंने खुद बनाई हैं। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता दूँगी। अगर आपके पास ये वाली समोसा शीट नहीं है तो आप यही वाली फिलिंग यूज़ कर सकते हैं और अलग तरह के समोसे बना सकते हैं जैसे हमारे ट्रेडिशनल समोसे बनते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लई को साइड्स पर लगाया है और इसको फोल्डिंग की है जैसे मैंने की है, आपने भी इसी तरह से करनी है। सारी साइड्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे और ये कोन बन चुकी है। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। तो ये देखें मैं फिलिंग डाल रही हूँ, फिलिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। तो अभी इसकी जो साइड्स हैं उनको भी हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। मैदे का जो पेस्ट बना के रखा है उसी को साइड्स पर भी लगाएंगे। मैं हाथ से कर रही हूँ, आप ब्रश से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से उठाएंगे और अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से समोसे की बहुत प्यारी शेप आती है, आपने भी इसी तरह से बनानी है। अच्छी तरह से साइड्स को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए मैंने साइड्स को अच्छी तरह से प्रेस कर दिया, एक समोसा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे समोसे भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए थे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और हमने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी। समोसों को हम पकने के लिए रख देंगे जब तक इनके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने इसी तरह से डाल दिए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसे अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से ये समोसे बने हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दें।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।